हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब पर अपने कोचिंग संस्थान के द्वारा पहला वीडियो विद फेस के साथ। चलिए मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज विज्ञान के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे बायोलॉजी और उसमें भी क्या पढ़ेंगे हम कोशिका के संदर्भ में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब घर पर सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कोशिका के संदर्भ में कि कोशिका क्या होती है। हम यहाँ पूरा बेसिक से चीजों को पढ़ेंगे, छोटे छोटे और हाई लेवल तक जाएंगे। देखो कोशिका बोलने से क्या बोलते हैं अपन, सेल कहते हैं, ठीक है। कोशिका क्या होती है? कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे हम अपने शरीर की या फिर हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं, ठीक है। देखो मैं लिख दे रहा हूं, कोशिका हमारे शरीर की सबसे पहली बात क्या लिखना है हमको, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, जो कि संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, पहली बात हमें ये याद रखना है कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, जो कि संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। थर्ड पॉइंट क्या याद रखेंगे हम कि कोशिका जो होती है यह पादपों में एवं जंतुओं दोनों में उपस्थित होती है, दोनों में उपस्थित होती है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहां पर देख लीजिए, अब क्या बात करेंगे हम यहां पे कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। यह मैं लिख दे रहा हूं कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। हिंदी में भी यही रहेगा और इंग्लिश में भी यही रहेगा, हमें याद रखना है। थर्ड पॉइंट क्या है इसके बाद नेक्स्ट वाला, जो कोशिका होती है, कोशिका किस शब्द से जनरेट हुई है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, उसके विषय में बता देता हूं मैं आपको। तो यहां में लिखना आप लोग, कोशिका की उत्पत्ति, कोशिका की उत्पत्ति यदि हम कोशिका सॉरी एक मिनट कोशिका शब्द की उत्पत्ति थोड़ा इसको सही कर लेना, कोशिका शब्द की उत्पत्ति, कोशिका के शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेलुला, या समझे ना आप, सेलुला से हुई है। ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि कोशिका शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो लैटिन भाषा के शब्द इसका नाम क्या है, सेलुला, इससे इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। जहां इसका अर्थ क्या होता है छोटा सा कमरा या फिर कवच, ये बात हमें इसकी याद रखना है, ठीक है। तो यहां हमने कोशिका की परिभाषा के बारे में पढ़ा, फिर उसके अध्ययन के बारे में पढ़ा और इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है उसके बारे में पढ़ा। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट्स अच्छे से बना लेना, अच्छे से पढ़ना इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं।
अब हम यहाँ पे बात करेंगे कोशिका के आविष्कार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। कोशिका के आविष्कार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। चलिए अब यहां पर मैं पहले तथ्य की बात क्या करता हूं। यहां पे पहला तथ्य क्या है कि कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो कोशिका की खोज सन 1665 में ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की। ये आप पूरा लिखना इसमें कि कोशिका की खोज ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की। कब की थी? 1665 में की थी। और जिस कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी वह कोशिका कैसी थी? वह कोशिका मृत अवस्था में थी। कैसे थी? मृत अवस्था में। वह कोशिका मृत अवस्था में थी। ये बात आपको विशेष तौर पर याद रखना है क्योंकि तो थोड़ा भी इसमें यदि एडवांस क्वेश्चन पूछेगा वो तो क्या पूछेगा कि मृत कोशिका में कि मृत अवस्था में जो कोशिका का आविष्कार हुआ था उसे किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आंसर क्या होगा उसका? रॉबर्ट हुक। एक बात और जान लीजिए रॉबर्ट हुक के बारे में कि जब भी हम कोशिका के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन करते हैं तो किसके माध्यम से करते हैं? वो बन रॉबर्ट हुक के द्वारा। इनकी एक पुस्तक थी, अभी भी है पुस्तक। तो पुस्तक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। मैं यहां लिख दे रहा हूं माइक्रोग्राफिया। ये पुस्तक है। इस पुस्तक में क्या बताया गया है कि कोशिका के संदर्भ में जितने भी महत्वपूर्ण और विस्तृत रूप से तथ्य होते हैं उन सब के बारे में इसमें रॉबर्ट हुक ने बताया गया है। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। उसके बाद क्या हो गया? पहले हो गया मृत अवस्था, अब बात करते हैं जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज बताइए किस वैज्ञानिक ने की? जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लियू वैन हॉक। क्या नाम है उनका? एंटोनी वॉन ल्यू वैन हॉक। प्रश्न पूछा जाता है कि जीवित कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो आंसर क्या करेंगे हम उसमें? एंटोनी वॉन ल्यू वैन हॉक। और ये उन्होंने कब की थी? सन 1674 में। ये बात आपको विशेष तौर पर याद रखना है, सन 1674 में। मृत अवस्था में कब इसकी खोज हुई थी और जीवित अवस्था में कब खोज की गई थी? तो दोनों ही बातें हमें इसमें क्या करना है? याद रखना है। चलिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट की अब बात करते हैं इसमें कोशिका के सिद्धांत की। कोशिका के सिद्धांत, यहां पे क्या बात कर रहे हैं अपन? कोशिका के सिद्धांत का श्रेय किसको जाता है? वनस्पति वैज्ञानिक 2% को जाता है। ये पहले का नाम क्या है? वनस्पति वैज्ञानिक। स्लाइडेन। और दूसरे नंबर पर कौन से थे? जंतु वैज्ञानिक स्वान। प्रश्न पूछा जाता है इसमें कि कोशिका के सिद्धांत का श्रेय हम किस वैज्ञानिक को देते हैं? तो संयुक्त रूप से यह दो वैज्ञानिकों को जाता है, एक का नाम है स्लाइडिन और दूसरे का नाम क्या है यहाँ पे? स्वान। ये वनस्पति वैज्ञानिक थे और ये कौन से थे? जंतु वैज्ञानिक थे। और ये उन्होंने कब किया था? सन 1824 में, 1824 को। यहाँ पे नहीं दिख रहा हूं तो यहाँ देख लेना इसको। ये इन्होंने सन 1824 में किया था। क्या? कोशिका के सिद्धांत का श्रेय या फिर उसको उन्होंने जनरेट किया था या फिर प्रतिपादित किया था, प्रिंसिपल ऑफ सेल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका एक बार।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें, इसको रफ कर देता हूं मैं। आप ये इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, बहुत ही शॉर्ट नोट है लेकिन बहुत ही अच्छे हैं, इफेक्टिव हैं, आपको समझ में आएंगे अच्छे से। कोई भी चीज नहीं आती है तो मुझसे कमेंट करके आप बाद में पूछ सकते हैं। चलिए आप फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, कोशिका में केंद्रक की खोज। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। वैज्ञानिक का नाम क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। और ये खोज उन्होंने कब की थी? सन 1831 में। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हो? कि कोशिका जो होती है उसका जो केंद्रक होता है उस केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। वो कब की थी? सन 1831 में। कहीं कहीं पर कोशिका के केंद्रक को देखना, यहाँ पे एक नया वर्ड आएगा, शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। कहीं कहीं पर कोशिका के केंद्रक को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है? इसको या तो इस नाम जानेंगे या फिर क्या बोल सकते हैं इसको अपन, नियंत्रण केंद्रक, नियंत्रण केंद्र, सॉरी क्या बोलते हैं इसको अपन, नियंत्रण केंद्र। कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछता है वो कि नियंत्रण केंद्र की खोज कोशिका में किस वैज्ञानिक ने की, तो आंसर क्या होगा? रॉबर्ट ब्राउन। क्योंकि वह किसकी बात कर रहा है? वो केंद्रक की ही बात कर रहा है। तो यदि आपको ये नाम नहीं पता है तो ये दोनों बातें क्या होती हैं? एक ही होती हैं। इस बात का आप ध्यान रख लेना, इसको आप याद कर लेना। चलिए अब पांचवें पॉइंट की अपन इसे बात करते हैं, इसके बात करते हैं कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों के बारे में सर्वप्रथम वैज्ञानिक डू जॉर्डन ने किया। क्या लिखा हमने यहाँ पे? कि कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेल्यूलोज, बहुत सी चीजें इसमें क्या होती हैं? पाई जाती हैं कोशिका के केंद्रक में, कोशिका के अंदर। इसको हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, तो इतना भी इतना याद रख लेना कि कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न पदार्थ, उन सबके बारे में किसने बताया सर्वप्रथम? डू जॉर्डन, ये डू लिखा है, डू जॉर्डन नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में सर्वप्रथम हमको बताया। और ये कब बताया इन्होंने? सन 1835 को। कब बताया इन्होंने? सन 1835 में इसको बताया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। उसके बाद देखिए यहां पे सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट पे हम क्या पढ़ेंगे आगे? सन 1840 में, सन 1840 में पुरकिंजे, ऐसा लिख लो, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि सन 1840 में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इस पदार्थ को, कौन सा पदार्थ जो यहां पर अभी खोज की थी ना पदार्थ की, दूरार्जन ने उस पदार्थ, इस पदार्थ को जीव द्रव नाम दिया। क्या नाम दिया? जीव द्रव नाम दिया। सन 1835 में जो वैज्ञानिक डू जॉर्डन ने
कोशिका के अंदर पदार्थ की खोज की थी। उस पदार्थ को सन 1840 में पुरकिंजे ने जीव द्रव नाम दिया। इतनी सी बात हमें इसमें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। सन 1855 में, सन 1855 में रूडॉल्फ नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि कोशिका स्वयं के विभाजन से विभाजित होती है। क्या बात याद रखना है हमको यहाँ पे, सबसे लास्ट पॉइंट है अपना यहाँ पे, कि सन 1855 में रुडोल्फ नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या बताया कि जितनी भी कोशिका हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, वह स्वयं के बयान से क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। तो आप इसके एक्सरसाइज छोड़ लेना और इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारा तो इसको लाइक कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू बच्चों।